इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। हमारे सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप एक साइकिल के साथ में विशिष्ट अतिथि जी, हमारे एसडीएमसी के मेंबर, हमारे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी, सभी आप सबको आज ये इस 2019-20 के साइकिल वितरण समारोह में साइकिल वितरण कर इसका शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद आपको आज राज्य सरकार द्वारा जो साइकिल वितरण का कार्यक्रम था वो यहाँ संपन्न किया। 691 साइकिल राज्य सरकार द्वारा 9th क्लास जिन्होंने एट उत्तीर्ण करके 9th में आई है, उसमें आई है, उनको स्कूटी वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मैं बच्चों से मुखातिब था और मैंने कोशिश की कि इन स्कूलों से गांवों को जोड़ा जाए और गांवों की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। इसी पे आज मेरा एक प्रयास था। बड़ी संख्या थी इसलिए मन में था मेरे कि मेरे जो विचार हैं, जो मैं चाहता हूं कि मेरे गांवों की दशाएं सुधरे, मेरे गांव के लोग भी समझदार हो, मेरे गांव में भी सफाइयां हो और ये गांव भी शहरों की तरह स्मार्ट शहर स्मार्ट विलेज बने, उसी थीम पे आज मैं बोला था। तो इस काम से मैंने बच्चों को जोड़ा है कि बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ घर का काम करने के साथ साथ अपनी गली और मोहल्ले में भी जाके देखें। अगर वहाँ गंदगी है, अगर वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे सीधा सीधा फोन करें। मैंने सब बच्चों को अपना फोन नंबर शेयर किया है केवल इस बात के लिए कि एक रिवोल्यूशन आए हमारे इस राज्य में भी, कम से कम मेरी विधानसभा में एक रिवोल्यूशन आए, एक चेंज आए, जिसमें हर बच्चा मेरे इस अभियान से जुड़े कि हमारे गांव भी साफ सुथरे रहने चाहिए, हमारे गांव की सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे यहाँ नालियां बननी चाहिए। कोशिश की है मैंने और एक प्रयास किया है कि गांव के लोग भी इन स्कूलों को देखें। इसके तहत आज आपके सामने मैंने लोगों को मोटिवेट किया था और तुरंत 2 से 2.5 लाख रुपए लोगों ने अपनी मर्जी से इकट्ठे करके दिए और वो उन पैसों से स्कूल की जो भी असुविधाएं हैं उनको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ मैंने एक कंप्यूटर लैब और एक शौचालय और एक टीन सेट जो बच्चों के लिए प्रार्थना स्थल होगा, सभा कक्ष होगा, उस तरह का बन जाएगा, उसकी घोषणा भी करी है और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया है कि हमारे ही बच्चे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं। इन स्कूलों का वातावरण अगर अच्छा होगा तो ये बच्चे स्कूलों के प्रति जागृत होंगे, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके हमारे समाज को सुधारने की तरफ अग्रसर होंगे।